हाय, वेलकम टू माय चैनल मेलोनिस कुकिंग। सो आज मैं बनाने वाली हूँ कैरेमल डेजर्ट शॉट्स, जो कि हम बनाने वाले हैं ग्लास में। आप इसे ग्लास डेजर्ट भी बोल सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैरेमल डेजर्ट शॉट्स कैसे बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ले ली है, उसको गर्म करने के लिए रखा है। उसको लो या मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, और गरम हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। सो इसमें बबल्स आने लगे हैं तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, और हम इसे वाइट चॉकलेट में डालेंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट ली है और 50 ग्राम्स ऑफ फ्रेश क्रीम ली है। आप फ्रेश क्रीम पे के जगह पे मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्हिपिंग क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो वाइट चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। वाइट चॉकलेट बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो आप कभी भी वाइट चॉकलेट से कुछ भी करिए तो थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। तो ये मेल्ट हो जाए वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट सेंसिटिव होती है, इसका मतलब कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक ओपन रखे, उसके पैकेट को, या ऐसी जगह पे रख दे, तो उसके बाद वो मेल्ट नहीं होती है, सीज हो जाती है। जब आप उसको मेल्ट करने जाते हो तो वो सीज हो जाती है, प्रॉपरली हो ही नहीं पाती है। तो हमें इसे उसे प्रॉपरली एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, या फिर आप पैकेट रखते हो तो उसको प्रॉपर पैक करके रखना है पैकेट के साथ। सो ये ऑलमोस्ट डार्क चॉकलेट, सॉरी वाइट चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। व्हाइट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्की बार जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो आप, आपको जो यूज़ करना है। तो हमारा ये जो व्हाइट चॉकलेट है मेल्ट हो चुका है। सो उसके बाद का जो इंग्रेडिएंट है वो है कुकी क्रीम बिस्किट। मैंने उसे क्रश कर लिया है, उसका पाउडर बना दिया है। तो उसका जो क्रीम है मैंने उसको निकाल दिया था, सिर्फ बिस्किट को क्रश किया है। तो उसका जो क्रीम है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो ही डालिए, बट ये ऑप्शनल है। ध्यान रखिए कि आप जब ये व्हाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट या कुछ भी मेल्ट करें या कुछ भी उसका यूज़ करें तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा भी ड्रॉप भी पानी गया तो आपका चॉकलेट खराब हो जाएगा, बन ही नहीं पाएगा। ओके, सो ये हो चुका है मेल्ट, तो आगे क्या करना है मैं वो बताऊंगी। मैंने यहाँ पे छोटे वाले ग्लासेस ले लिए हैं, तो मैं अब उसमें जो हमने कुकी क्रीम बिस्किट का पाउडर किया था वो डालूंगी। मैंने इसमें कोई बटर या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डाला, ये आप देख सकते हैं पूरा पाउडर ही है। सो हम पहले बिस्किट्स डालेंगे। उसे इवनली करना है, हो गया है इवन। मैं थोड़ा और डालूंगी। आप चाहे तो उसको स्पून से ऐसे टैप भी कर सकते हैं, सो दैट वो इवन हो जाए। तो मैं दूसरा ग्लास भी भर लूंगी। मैंने दोनों ग्लास फिल कर दिए हैं बिस्किट के पाउडर से। अब मैं उसमें कैरेमल डालूंगी। ध्यान से डालना है ताकि साइड खराब ना हो जाए। प्रॉपर एक लेयर हो वैसा उसे डालना है।
मैंने दोनों ग्लासेस को फिल कर दिया है और जो कैरमल है उसको इवन करने के लिए हमें थोड़ा ऐसे हाथों से टैप करना है उसे। ताकि वो ऊपर से थोड़ा इवन हो जाए। अब इसके ऊपर मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, को जो डालना है आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब हमने जो क्रीम एंड चॉकलेट किया था रेडी, मैं वो डालूंगी। मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ। हमारा थर्ड लेयर है ये वाइट कलर का। आपको जितना थिक या थिन रखना है आप रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो मैं दोनों ग्लासेस में फिल कर दूंगी। अगर ऐसे कभी हो जाए तो टिश्यू पेपर से साफ कर लेना। पाइपिंग बैग रहेगी तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। मैं ये नॉर्मली बता रही हूँ क्योंकि पाइपिंग बैग हर किसी के पास नहीं रहती है, दैट्स वाई मैं अभी ये स्पून से ही बता रही हूँ। सो हमारा ये एक ग्लास में थोड़ा ऐसे बाहर निकल गया था तो मैं इसे टिश्यू से साफ कर लूँगी। हो गया। तो अब इसके ऊपर मैं वापस कुकी क्रीम का पाउडर डाल लूँगी। इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट्स और इसके ऊपर जाएगा ड्राई फ्रूट्स और ये हो गया हमारा कैरेमल डेजर्ट शॉट्स रेडी। सो देखिए हर एक लेयर कितना ब्यूटीफुली दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, हर एक लेयर कितना मस्त दिख रहा है। सो डू ट्राई दिस एट होम और मुझे बताइए कि कैसा लगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। थैंक यू, बाय।